नमस्कार दोस्तों, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीरो चैनल से आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक दोष है जिसे हम कहते हैं विष दोष, या इसे कहते हैं पुनर्पू दोष। आज हम बात करेंगे कि ये दोष क्या है, कैसे लगता है, क्यों लगता है और इसके असर से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, दो ही ऐसे ग्रह है जिसके वजह से ये ग्रह लगता है, वो है चंद्रमा और शनि देव। यहां पर मैंने लिखा है मून और सैटर्न, इसका मतलब होता है चंद्रमा और शनि देव। क्यों? सवाल तो ये है कि क्यों। आप अगर दोनों ही ग्रहों को अगर आप अध्ययन करेंगे तो ये आपको पता है कि चंद्रमा सबसे तेज गति से चलने वाला एक ग्रह है। इस ग्रह से हम इस बात का आकलन करते हैं, जैसे कि हमारे दिनचर्या में रोजाना क्या होता है, हमारी माँ, हमारी मातृभूमि, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारा मन, मानसिक स्थिति को देखा जाता है। वहीं पर अगर आप शनि देव की बात करें तो शनि देव सबसे धीमे चलने वाले प्लैनेट है, इसीलिए हम कहते हैं शनि शनि चलने वाले ये ग्रह है। ये ग्रह को ये हमें जीवन में अनुशासन सिखाता है, ये हमारे कर्मों को आंकता है, कर्मों के मुताबिक ही हमें या तो जिंदगी में बहुत प्रगति मिलती है या हर जगह पे हम जिंदगी में फेल होते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारे कर्म शायद अच्छे ना हो। अब जब ऐसे दो ग्रह जिनकी जो पर्सनालिटी है वो बिल्कुल ही विपरीत है, अलग है, ऐसे ही दो ग्रह अगर एक साथ आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, या फिर वो एक दूसरे को, इसीलिए मैंने हर जगह पे लिखा है या तो वो साथ में है या तो वो एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसे में क्योंकि दोनों का स्वभाव अलग अलग है तो इन दोनों में बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट होगा, आपस में समझ नहीं पाएंगे। और ऐसे दो ग्रह के बैठने से आपके जीवन में आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, हर काम को रिपीट करना पड़ेगा, लेकिन एक साथ रहते रहते ये आपस में समझौता कर लेते हैं और आगे चल करके ये एक दूसरे को समझने लग जाते हैं। अपने एक दूसरे की जो डिफरेंसेस होते हैं उसको समझ जाते हैं ये, और फिर ये अच्छे मित्र भी बन सकते हैं। लेकिन क्या ये एक रात में होगा, क्या ये एक हफ्ते में होगा, क्या एक महीने में होगा या एक साल में होगा? नहीं, क्योंकि इसमें देर लग सकती है। इसीलिए इस योग को हम जोड़ते हैं कि जीवन में हर चीज में देरी क्यों होती है। हमें यह भी समझना होगा कि पूर्णपू जो योगा है या दोषा है उसे समझने के लिए हमें कुछ बातें समझनी होंगी। सबसे पहले, चंद्रमा और शनि देव अगर एक साथ में युति बनाए हुए हैं एक ही घर में, और अगर उनके जो अंश है, डिग्री है, अगर वो और नजदीक है, उतना ही ज्यादा इफेक्ट आपको ज्यादा होगा। ये योग बनने के लिए चंद्रमा को शनिदेव को, शनिदेव को चंद्रमा को, दोनों को एक दूसरों को देखना है। और ये तभी हो सकता है, संभव है, क्योंकि आप जानते हो कि चंद्रमा सिर्फ सातवीं दृष्टि रखता है जबकि शनिदेव तीसरी, सातवीं और दसवीं दृष्टि रखता है। तो ये तभी संभव है, या तो साथ में बैठे हो या तो वो एक दूसरे के सामने हो, यानी कि सातवें घर में हो। दूसरी बात है, या तो चंद्रमा शनिदेव के या शनिदेव चंद्रमा के नक्षत्र में हो तब भी ये बनता है। खाली चंद्रमा का शनिदेव के नक्षत्र में बनने से नहीं, ये चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में है, दोनों होने पर ही ये दोष लग सकता है। अब इसके होने से जीवन में थोड़ा स्ट्रगल होता है,
थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, चीजें देर से मिलती है, कभी कभी नहीं भी मिलती है। शुरुआत में, जीवन के शुरुआत में एक दूसरे को समझने के लिए, खास करके ये ज्यादातर साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में इसे शादी से जोड़ा गया है, क्योंकि शादी में एक दूसरे को समझना होता है। तो शादी में क्या ये एक दूसरे को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए इसे ऑपोजिट सेक्स से जोड़ा गया है। या तो ये समझ जाते हैं, या तो अगर समझेंगे नहीं तो फिर ये पूरी तरह से एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, इसीलिए इसे एक दोष माना गया है। इसे शादी से इसलिए भी जोड़ा गया है, और कृष्णमूर्ति पद्धति यानी केपीए एस्ट्रोलॉजी में भी इसको मान्यता है। साउथ इंडिया में इसे शादी से जोड़ा गया है, लेकिन क्या यह सत्य है? मैं ऐसा मानता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं मानता हूं कि ये शादी पे प्रभाव तब पड़ेगा इसका जब वो इस जगह पे या इस जगह पे ऐसी कुछ स्थिति बनाएंगे तो, जिसमें एक पहला घर और सातवां घर अगर आ रहा है तभी ही ये शादी से संबंधित होगा। अगर ये वहीं पर पांचवा और ग्यारहवें ये दो घर को प्रभावित कर रहा है तो आप देखेंगे कि आपके एजुकेशन में, पढ़ाई में या बच्चा होने में ये देरी कर सकता है, ये देरी कर सकता है, ये बच्चा नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। उसी तरह से अगर ये दूसरा और आठवां घर पे प्रभाव डाल रहा है तो वहीं पे आपको पैसा अर्जित करना, पैसा कमाना, पैसा अपने पास लाना, उसमें देरी हो सकती है, क्योंकि आठवां घर अगर रोल प्ले करता है तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। उसी तरह से चौथे और दसवें घर में अगर हैं तब भी आप देखोगे आपके घर में और ऑफिस में ये परेशानी दे सकता है। और खास करके आपको बता दूं कि देखिए, ये मैंने हर जगह पे चंद्रमा और शनिदेव को साथ में रखा है, लेकिन यहां से आप एक को मिटा करके दूसरे को मिटा करके एक दूसरे के सामने भी कर सकते हो, या तो वो साथ में है या तो वो सातवें घर में है। ऐसी स्थिति में आप देखोगे अगर यहां पर मान लो कि नहीं है, इसको छुपा देते हैं, सिर्फ यहां पर चंद्रमा और शनिदेव है, आप देखोगे अपने ऑफिस में आप बहुत मेहनती हो, बहुत मेहनत करते हो, दिल लगा के मेहनत करते हो, लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिलता। आप हमेशा सोचते हो कि मैं सबसे ज्यादा काम करता हूं, अधिक काम करता हूं, सबसे अच्छा काम करता हूं, फिर भी मेरा प्रमोशन क्यों नहीं होता है? आपकी बात समझ में नहीं आएगी। होगा, ऐसा नहीं प्रमोशन नहीं होगा, देर से होगा, यही बात है। और इस चीज से आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक बात तो मैंने शुरुआत में कह दी थी कि चीजें होंगी, ये देर से होंगी, ये समझना होगा। और जब ये होंगी, क्योंकि ये शनिदेव से आपको मिल रहा है तो वो परमानेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि शनिदेव जो भी देते हैं देर से देते हैं, लेकिन जो भी देंगे वो जीवन में आपसे कोई छीन भी नहीं सकता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और अगर आया है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन के वो जो घंटी बनी उसको क्लिक कीजिएगा। और एक गुजारिश है, अपनी तरफ से मेहनत करता हूँ, अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आप लोग के सामने किताबों से, अलग अलग जगहों से कुछ टॉपिक ला के दूँ। मैं नीचे एक थैंक्स का बटन है, इसे क्लिक करने से आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, उसमें से सबसे छोटा जो ऑप्शन है आप उसी को बेशक सेलेक्ट कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट करोगे तो मेरी एक मदद हो जाए, मदद करोगे आप। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हो, इसके बारे में और सवाल करना चाहते हो, तो आप मेरा जो नंबर दिया है व्हाट्सएप का, मुझे आप कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।